अखिलेश यादव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख बयानबाजी करते नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स आपको पीछे नजर आ रहे हैं, जहां पर लिखा गया है सेव इंडिया यानी भारत बचाओ। संसद परिसर में ये विपक्ष का धरना है और कल भी अखिलेश ने कहा था कि लाल क्रांति आएगी जिसके जरिए बदलाव होगा, और इस बीच अखिलेश यादव यहां पर संसद परिसर में विपक्ष के धरने में शामिल होते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। और केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ यहां पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिलेश यादव अपने चिरपरिचित अंदाज में लाल टोपी लगाकर, और इस लाल टोपी को लेकर भी कल उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी देखने को मिली थी। तब भी अखिलेश ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन इधर आज संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने अखिलेश यादव तमाम सांसदों के साथ यहां पर धरने पर बैठे हैं। और पीछे अगर आप पैम्पलेट्स पर गौर करेंगे तो सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया यानी लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ, ऐसे तमाम नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।